हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि मैंने मैं क्यों रोई थी उस वीडियो में और क्यों इतनी इमोशनल हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आज बताएंगे हम। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने सारी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रही थी और वो यानी डैडी के ऊपर है, पापा के ऊपर, कि तू मेरा दिल तू मेरी जान, आई लव यू डैडी। तो मुझे ना मुझे याद आ गई अपने पापा की, डैडी की। और इस ज़माने में अब डैडी बोलते हैं, पहले पापा बोलते थे। और मैंने तो पापा भी नहीं बोले कभी भी। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मेरे पापा है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, फिर से मेरी आंखों में इमोशनल सा हो रहा है, पर मैं रोऊंगी नहीं। तो फ्रेंड्स, जब मैं 2 साल की होंगी, मेरी मम्मी बताती, मुझे तो नहीं पता, मुझे याद है कि मैं 2 साल की थी जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें वो मृत्यु हो गई उनकी, तो मैंने नहीं देखे, इसलिए मुझे डैडी का जिक्र होता है ना, मुझे बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। इसलिए मैं उस दिन बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत देर तक रोती भी रही थी। तो बस यही कारण था कि मैं अपने पापा के लिए रोई थी। और देखिए, अभी भी मेरी आंखों में देखिए आंसू सी हैं। हर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि भगवान कहीं ना कहीं से तसल्ली दे ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही कारण था कि मैं अपने पापा के लिए रोई थी। और बस, और कमेंट एक आया था कि दीदी आपके भी है ना, उन्होंने क्या गलत सोच लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वीडियो भी पड़ी है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये कहानी मेरी, आप देख सकते हो वीडियो में कहाँ से मेरा रोना उतना हुआ था। तो फ्रेंड्स, बस यही बताने के थे। 2 साल के थे, थोड़ा मुझे याद भी है कि मेरे पापा की डेड बॉडी रखी थी, तब मैं उस टाइम वही बैठी थी शायद, मुझे हल्का हल्का याद है, मुझे ज़्यादा नहीं याद है। और मान लो 2 साल के बच्चे को कितना याद रहेगा। तो बस यही था। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या हकीकत कुछ भी हो, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।